हेलो दोस्तों, मैं आप सभी को स्वागत करता हूं स्टडी थ्री बाई यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के वीडियो में हम आप सभी को जानकारी देंगे गूगल पे अकाउंट आधार कार्ड से कैसे बना सकते हो। अगर आपके पास एटीएम कार्ड नहीं है और आप गूगल पे अकाउंट बनाना चाहते हैं तो दोस्तों आप आधार कार्ड के माध्यम से गूगल पे अकाउंट बनाकर चला सकते हो। आपका खाता किसी भी बैंक में है दोस्तों, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। आप घर बैठे आधार कार्ड के माध्यम से गूगल पे अकाउंट बनाकर चला सकते हो। गूगल पे अकाउंट बनाने के लिए सबसे पहले गूगल पे एप्लीकेशन को दोस्तों अपने मोबाइल में डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के लिए प्ले स्टोर एप्लीकेशन को ओपन कर लीजिएगा और ओपन करने के बाद दोस्तों यहां पर आपको जो सर्च बार है, सर्च बार में आपको सर्च करना है गूगल पे। ठीक है दोस्तों, जैसे कि मैं यहाँ पर सर्च कर लेता हूँ गूगल पे। ठीक है दोस्तों, और आप पहले से डाउनलोड किए हैं तो इसे अपडेट कर लीजिएगा। ठीक है, तभी आपको आधार कार्ड वाला जो ऑप्शन है आधार कार्ड से गूगल पे अकाउंट बनाने के लिए वो ऑप्शन इनेबल होगा। ठीक है, तो चलिए मैं अपडेट कर लेता हूँ। उसके बाद दोस्तों ओपन करना है। ओपन करने के लिए जो बैंक अकाउंट से मोबाइल नंबर लिंक है उस मोबाइल नंबर को डालकर लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद इस तरह का पेज आपके सामने खुलकर ओपन हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ देखिए कोने में एक लोगो का ऑप्शन दिखाई देगा, इस लोगो पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर बैंक अकाउंट का ऑप्शन दिखाई देगा, यहाँ पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर देखिए ऐड बैंक अकाउंट का ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जब आप क्लिक कीजिएगा दोस्तों तो यहाँ बहुत सारे बैंक का लिस्ट आ जाएगा। अगर इस लिस्ट में नाम नहीं है तो यहाँ पर देखिए सर्च का भी ऑप्शन है, आप सर्च भी कर सकते हैं। दोस्तों मैं पहले से ही यहाँ पर देखिए अपने बैंक अकाउंट को ऐड कर चुका हूँ। ठीक है, इस वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों आपके सामने एक यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा फॉरगेट यूपीआई पिन या सेट यूपीआई पिन, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जब आप क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने इस तरह का पेज खुलेगा। यहाँ पर देखिए दो ऑप्शन दिखाई देगा, एक डेबिट कार्ड और दूसरा है आधार कार्ड। ठीक है दोस्तों, तो आधार कार्ड वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद कंटिन्यू का ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आधार कार्ड के नंबर आपको इंटर कर देना है, जैसे कि मैं यहाँ पर आधार कार्ड के नंबर इंटर कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पर एक ऑप्शन दिखाई देगा, ठीक है, एरो का, इस पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके जो आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक है उस पर एक ओटीपी आएगा, यहाँ पर दोस्तों ओटीपी इंटर करना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ जो सही का निशान है इस पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों जो भी आपके बैंक अकाउंट से मोबाइल नंबर लिंक है, ठीक है, उस पर भी ओटीपी आएगा, यहाँ पर ओटीपी डाल देना है। उसके बाद देखिए यहाँ पर सेट यूपीआई पिन का ऑप्शन मिलेगा, ठीक है, तो यहाँ पर आपका यूपीआई पिन दोस्तों यहाँ पर सेट कर लेना है अपने हिसाब से। ठीक है, उसके बाद कंफर्म कर देना है, उसके बाद आपका यूपीआई पिन सेट हो जाएगा। अगर दोस्तों आप अपने बैंक अकाउंट का बैलेंस चेक करना चाहते हैं तो यहाँ पर नीचे आइएगा, यहाँ पर देखिए चेक बैलेंस का ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जो भी आप यूपीआई पिन बनाए हैं उस पिन को यहाँ पर इंटर कर देना है और दोस्तों सबमिट पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके अकाउंट में जितना टोटल बैलेंस होगा यहाँ पर शो कर देगा। अगर आप किसी के अकाउंट में पैसा भेजना चाहते हैं दोस्तों तो यहाँ पर एक ऑप्शन दिखाई देगा, देखिए स्कैन पे का माध्यम से आप पैसा भेज सकते हैं, पे फोन नंबर से बैंक अकाउंट से भी आप पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अगर आपको पैसा ट्रांसफ़र करना है पे फोन नंबर से तो यहाँ पर क्लिक करना है, यहाँ पर दोस्तों फ़ोन नंबर आपको इंटर कर देना है। ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ पर इंटर कर देता हूँ। उसके बाद पे पर क्लिक करना है, पे पर क्लिक करने के बाद कितना पैसा भेजना चाहते हैं यहाँ पर अमाउंट डाल देना है, देखिए यहाँ पर एरो का निशान है इस पर क्लिक करना है, यहाँ पर पे पर क्लिक कर देना है। पे पर क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर जो भी यूपीआई पिन सेट किए हैं यहाँ पर डालकर यहाँ कंफर्म पर क्लिक कीजिएगा। उसके बाद दोस्तों आपका जो पेमेंट है दूसरे के अकाउंट में चला जाएगा आपके अकाउंट से कट कर। तो इस तरह से दोस्तों आप आधार कार्ड के माध्यम से, ठीक है, गूगल पे अकाउंट बनाकर चला सकते हो। अगर आपको कोई भी समस्या आता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। चलिए मैं वीडियो को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।